गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था रिन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जो टू टाइप्स को होते हैं, फर्स्ट रिन्यूएबल्स और सेकेंड नॉन रिन्यूएबल्स। रिन्यूएबल्स का मतलब होता है नवीकरणीय। इसमें सम रिसोर्सेज डू नॉट गेट एक्सिस्ट इवेंट आफ्टर कंटिन्यूज यूज, दीज आर द इनहेक्स्टेड रिसोर्सेज। मीन्स कुछ संसाधन हमेशा उपयोग के बाद भी ख़त्म नहीं होती है, इसे हम अटूट संसाधन भी कहते हैं। ये कभी ख़त्म ही नहीं होती है, जैसे धूप, हवा, पानी, रेत इत्यादि, इसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। दे इंक्लूड बायोटिक रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन। इसमें कुछ बायोटिक रिसोर्सेज का भी जिक्र किया गया है, जो प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन, ये भी कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। ना प्लांट्स कभी ख़त्म हो सकता है, ना एनिमल कभी ख़त्म हो सकता है, और ना ही मानव। रिन्यूएबल सोर्सेज में पौधे, जानवर और मानव भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। सेकेंड आता है नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज, गैर नवीकरणीय संसाधन। सेकेंड है आपका नॉन रिन्यूएबल्स। इसमें सम रिसोर्सेज गेट कम्प्लीटली एक्सहेस्टेड आफ्टर यूज एंड कैन नॉट बी रिप्लेस, दीज आर द एक्सहेस्टेबल्स या नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज। इट्स मीन्स कुछ संसाधन उपयोग के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और उन्हें दोबारा हम प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि दोबारा उसे हम नवनिर्मित नहीं कर सकते हैं। ये संपूर्ण या गैर नवीकरणीय संसाधन में आते हैं, जैसे द इंक्लूड्स ऑल मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। मीन्स इनमें लोहा, तांबा, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी शामिल है, जो पूरी तरह से ये पूरी तरह से एक टाइम के आने के बाद ये समाप्त हो सकती है। सम ऑफ द मिनरल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी रिसाइकिल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉसिल फ्यूल हाउएवर कैन नॉट बी रिसाइकिल। दैट्स मीन्स कुछ खनिज जैसे लोहा, चांदी, सोना को तकनीकी की मदद से पुनर्निर्मित कर सकते हैं, पर जीवाश्म ईंधन को पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता है। अब आएंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। विकास के चरणों के आधार पर हम लोग देखेंगे संसाधन के बारे में। फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावित संसाधन या संभावना, संभावित से ही संभावना बना हुआ। और सेकेंड है एक्चुअल रिसोर्सेज, जिसको बोलते हैं वास्तविक संसाधन। पहले हम पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। दीज आर रिसोर्सेज विच एक्सिस्ट इन द रीजन्स एंड could be used in the future but have not been developed yet to their full potential। means ये वह संसाधन है जो किसी क्षेत्र में मौजूद है और भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है, उसको हम लोग संभावित संसाधन को कह सकते हैं। इसे हम लोग विकसित करने के लिए, उनकी मात्रा और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए भी विस्तृत संरक्षण आवश्यक होता है। एंड सेकेंड एक्चुअल रिसोर्सेज, दीज आर रिसोर्सेज विच कैन बी पुट टू एक्चुअल यूज एज देयर क्वालिटी, थॉट, डिटेल, सर्वे। फॉर एग्जांपल कोल एंड आयरन, आयरन डिपॉजिट इन इंडिया। ये ऐसे संसाधन है जिन्हें वास्तविक मात्रा में उपयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि उनकी मात्रा और गुणवत्ता का विस्तृत सर्वेक्षण के माध्यम से सही
मूल्यांकन किया गया है। उदाहरण के लिए भारत में कोयला और लौह अयस्क बहुत ही प्रचुर मात्रा में है।